दोस्तों, आइंस्टीन ने मरने से पहले कहा था कि मेरे मरने के बाद कोई भी मेरे शरीर पर रिसर्च नहीं करेगा, लेकिन 18 अप्रैल 1955 में न्यूजर्सी में आइंस्टीन की डेथ के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनका दिमाग चुरा लिया ताकि वे उस दिमाग पर रिसर्च कर सके। लेकिन बाद में डॉक्टर थॉमस हार्वे को जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि आइंस्टीन की बॉडी पर रिसर्च करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन बाद में आइंस्टीन के बेटे ने रिसर्च करने की परमिशन दे दी। तब सबसे पहले आइंस्टीन के दिमाग का वजन किया गया जो कि 1230 ग्राम था, जो कि एक नॉर्मल पर्सन के दिमाग से बहुत कम था। फिर वजन करने के बाद उनके दिमाग के 240 टुकड़े किए गए और उन टुकड़ों को दुनिया भर के सभी साइंटिस्ट के पास भेजा गया ताकि वे उस पर रिसर्च कर सके। और जब रिसर्च की तब ये पता चला कि आइंस्टीन के दिमाग में सेल्स बहुत ज्यादा थे और उनके दिमाग का एक पार्ट रिंकल पैरेटल अपरकुलम गायब था, इसीलिए आइंस्टीन इतनी बड़ी कैलकुलेशन को अपनी इमेजिनरी पावर से कर लेते थे। और आज भी आइंस्टीन का दिमाग को अमेरिका के मर्डर म्यूजियम में रखा गया है। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।